नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जयवीर और आज हम बात करेंगे अगर गैस बिगड़ी हो या छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करना है। तो इस वीडियो में हम बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका आपको सॉल्यूशन बताएंगे, इसीलिए हमने ये स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपने लो प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करना है। आपको इस तरह का रेगुलेटर, लो प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑटोमेटिक गैस ओवन में हाई प्रेशर रेगुलेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए जो इसका वर्किंग है वो लो प्रेशर गैस पे डिज़ाइंड होती है। अंदर इसके कोई और गैस रेगुलेटर सिस्टम नहीं लगा है, सिर्फ इसी गैस रेगुलेटर से गैस रेगुलेट होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लो प्रेशर गैस रेगुलेटर ही इस तरह के ऑन में लगाना है। दूसरी, अगर इसमें कम्बेशन सही से नहीं हो रहा हो, टैंक के अंदर गैस बुझ जा रही हो, या लाल आँच दे रहा हो, या आँच गलत टाइप की दे रहा हो, तो वो भी हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे करेक्ट करना है। तो अब आप देखिएगा, ये ओवन एकदम लाल आँच दे रहा है, इसका मतलब इसमें LPG की मात्रा ज़्यादा है और एयर की मात्रा कम है। तो हम केस में जैसे इस तरह की आँच आती है तो हमें एयर की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। तो अब हम ओवन के कंट्रोल पार्ट में आएंगे और हम जैसे देख रहे हैं कि ये वाला एयर ब्लोअर बिल्कुल बंद है, तो हमने इसको एडजस्ट करना है ताकि ये ब्लू आँच देने लगे। तो हमने इसको लूज़ कर दिया है और थोड़ी सी ओपनिंग धीरे धीरे खोलनी है और आपको चेक करना है कि आग का रंग ब्लू हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये बहुत अच्छे से चलेगा तो एकदम जैसे आप देख सकते हैं एकदम ब्लू फ्लेम देगा। अगर ये ब्लू फ्लेम बिल्कुल सही से चल रही है बिना ऊपर उठे तो इसका मतलब कम्बशन सही है। अगर हवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे अगर हम हवा की मात्रा ज़्यादा खोल देते हैं तो हवा की मात्रा ज़्यादा खोलने से, क्योंकि अब एयर ज़्यादा हो गई है तो गैस कम्बशन नहीं कर पाएगी। तो अगर आपका ओवन कम्बशन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर हवा की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो उस केस में आपको ये ब्लोअर की ओपनिंग कम करनी है, उसके बाद हम दोबारा जला के देखते हैं कि जलता है कि नहीं जलता है। तो हमने एयर की मात्रा थोड़ी कम करी है, ये अभी भी फ्लेम नहीं ले रहा है, तो हम एयर की मात्रा थोड़ी सी और कम करते हैं और देखते हैं फ्लेम लेता है कि नहीं लेता है। तो अब ये ओवन एकदम बेहतरीन फ्लेम ले रहा है। तो हमने इस वीडियो में आपको समझाया कि ओवन की जो एयर फ्लो है, एयर और LPG का मिक्सचर है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, क्योंकि ये वो ज़रूरी स्टेप है। क्योंकि LPG है वो एक खास एयर रेशियो में ही चलती है, जब एयर रेशियो उससे हाई, एयर टू LPG रेशियो हाई या लो होता है। अगर लो हो जाता है, जैसे एयर ज़्यादा है LPG कम है, तो फ्लेम नहीं जल पाएगी या बहुत ऊँची उठ के चलेगी और जल्दी बुझ जाएगी। अगर एयर की मात्रा कम है और LPG की मात्रा ज़्यादा है तो आपको लाल और मोटी फ्लेम मिलेगी। तो आपको ध्यान देना है कि ना तो लाल फ्लेम होनी चाहिए और ना ही ऊपर उठती हुई ब्लू फ्लेम होनी चाहिए, एकदम सीधी टिकी हुई जलती हुई ब्लू फ्लेम होनी चाहिए। उसी हिसाब से आपको ये एयर की एडजस्टमेंट करनी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बेकरी इक्विपमेंट से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, और आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम आगे भी बेकरी इक्विपमेंट के बारे में, बेकरी रेसिपीज़ के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देते रहेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।